लाइफ में जो जिनका चाहे वो परिवार की बात बोले, चाहे वो सोसाइटी की बात बोले, चाहे आप समाज निर्माण की बात करें, तो आप अगर अपने आप को पूछेंगे कि इनमें से किनका सहयोग होता है, तो आंसर आएगा कि जो लोग ऑप्टिमिस्टिक होते हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं, वो हमारे समाज में कंट्रीब्यूट करते हैं। वो समाज हो चाहे परिवार हो, जहां पर भी हो, वहां पर कंट्रीब्यूशन इन्हीं का होता है, न कि इनका। पर इन लोगों की जैसे यथार्थवादी, इनकी बातें सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि हाँ वो सही कर रहे हैं, पर अल्टीमेटली जब अपन रिजल्ट पे आते हैं तो देखा जाता है कि रिजल्ट यहाँ से नहीं आते, रिजल्ट आते हैं आशावादी होने से। आशावादी लोग वो होते हैं जो कि चेंज को बहुत फास्ट एक्सेप्ट करते हैं कि जो बदलाव आता है, क्योंकि चेंज एक ऐसा चीज है जो कि होना ही है, समय के साथ में हर चीज में बदलाव आते हैं। सिमिलर पैटर्न पे जब अपन हेल्थ की बात करें, तो हेल्थ तो अगर हम लोग आज से 25-30 साल 40 साल पीछे चले जाए, तो हमारी जो सरकमस्टेंसेस थी कि हमारे हम लोग जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल लेते थे, जो ग्रेन्स हम लोग बाजार से खरीदते थे, जो अनाज खरीदते थे, उसकी जो शुद्धता थी वो आज नहीं रही। उसके बाद पॉल्यूशन के सेंस पे आइए कि आज की तारीख में जितनी गाड़ियां हैं, जितने फैक्ट्रीज हैं, इनके वजह से जो पॉल्यूशन का लेवल है वो लगातार बढ़ रहा है। हमारे पास में आज लाइफ को एंजॉय करने के लिए हमारे पास में ऑप्शंस बहुत सारे हैं, कि हमारे जो लाइफस्टाइल रिक्वायरमेंट है वो बहुत सारे हैं। जैसे आज से 25-30 साल पीछे चले जाइए, तो हमारे पास में मोबाइल का ऑप्शन नहीं था, हमारे पास में इतनी शानदार गाड़ियां नहीं हुआ करती थी, हमारे पास में रहने के लिए हमारे हाउस होल्ड में जो चीजें हम लोग आज की तारीख में यूज कर रहे हैं वो उसका लेवल उस लेवल पर नहीं था। और हम लोग चाहते हैं कि वो लेवल हमारे पास में हो, तो बट नेचुरल है कि उसको पाने के लिए हमारे पास में पहले की तुलना में आज की तारीख में स्ट्रेस ज्यादा है। तो ये कुछ कुछ पैरामीटर्स हैं जिसको हम लोगों को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा कि 25-30 साल पहले की जो बातें थी वो आज हम लोग उसको लेके नहीं चल सकते हैं। और अकॉर्डिंगली अगर हम लोग हेल्थ को रिटेन करना चाहें, तो हमको आज की तारीख में हमारी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है उसको हमें देना ही पड़ेगा, कोई विकल्प नहीं है। तो जो लोग हेल्थ के विषय में ऑप्टिमिस्टिक लोग जिस बात पे ध्यान रखते थे, ऑलवेज बिलीव इन इन्वेस्टमेंट, वो हमेशा निवेश में रुचि रखते हैं। ये लोग हमेशा दे ऑलवेज बिलीव इन सेविंग, वो बचाने में तो रुचि रखते हैं कि कैसे कि उनको चीजें 2 पैसा बच जाए, पर ये लोग इन्वेस्टमेंट पे ध्यान रखते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज को अपनी लाइफ की प्रायोरिटी में रखते हैं। ये चीजों को जब तक अर्जेंट ना हो तब तक उनका फोकस उस पर नहीं आता है। ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो इनको इनसे अलग करता है। इंपॉर्टेंट चीज मतलब जो जरूरी है, हम लोग देखेंगे कि हम लोग अगर अपने आप को हेल्दी रिटेन करने के विषय में सोच रहे हैं, तो वो कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जो इंपॉर्टेंट है करना, और अगर इस इंपॉर्टेंट चीज को हम लोग अवॉइड करें, तो बट नेचुरल है कि वो अर्जेंसी की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे दिन भर में 2 बार सुबह उठने के बाद में और रात को सोने से पहले ब्रश करना, दिस इज इम्पॉर्टेंट। पर ये दो इस काम को अगर हम लोग अवॉइड करें कुछ समय तक, तो बट नेचुरल है कि हमारी दांतों में चैलेंजेस डेवलप होने शुरू हो जाएंगे और हमको तुरंत डॉक्टर के पास भागना पड़ेगा, यानी कि वो अर्जेंट स्टेज पे पहुंच गया। ये न केवल दांत के विषय में बल्कि हमारी पूरी एंटायर हेल्थ के विषय में यही चीजें लागू होती हैं, कि अगर हम लोग इंपॉर्टेंट चीजों को अपनी लाइफ में प्रायोरिटी के बना के रखें, तो वो अर्जेंट पे टर्न नहीं होगा और हम लोग एक हेल्दी लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। थर्ड जो चीज है कि ये लोग का ध्यान जो होते हैं एक्सपेंसेस में, इनका ध्यान होते हैं, ये खर्चा करने में इनकी इंटरेस्ट होता है कि ये एक्सपेंसेस में ये जाते हैं। ये लोग प्रिवेंटिव साइंस में इनकी रुचि होती है कि किस चीजों को कैसे प्रिवेंट किया जाए। इनका चयन कि क्यूरेटिव साइंस में होती है। क्यूरेटिव साइंस जैसे कि हमको डॉक्टर मदद करता है, पर ये लोग प्रिवेंटिव साइंस पे बेसिकली फोकस होते हैं, क्योंकि इनके लिए लाइफ में हेल्दी रहना है इनका गोल नहीं है। इनका गोल होता है कि इनके लाइफ में हेल्दी इस एस्पेक्ट में वही व्यक्ति फोकस करता है जिनके लाइफ में कुछ गोल है, कुछ ड्रीम्स है, और वो उन चीजों की इस चीज को बहुत अच्छे से समझते हैं कि लाइफ की पूरी
कोई भी गोल्स हो, कोई भी ड्रीम्स हो, उसको अचीव करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर है, दैट इज अ साउंड हेल्थ। क्योंकि जब तक हमारी हेल्थ साउंड नहीं होगी तो हमारी थॉट प्रोसेस उस तरीके से डेवलप नहीं होगी, हम लोग कोई परफॉर्मेंस उस तरीके से एनहेंस नहीं हो पाएगा। तो इनका ध्यान हमेशा होता है कि मैं बीमार ना पड़ूं, तो ये लोग अपना टाइम को सेव करना चाहते हैं ताकि उस टाइम को वो अपनी गोल को, अपनी ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे देखते हैं हम लोग कि अगर हम प्रिवेंटिव साइंस में आना चाहें, हम यहाँ पर अपने आप को प्रिवेंशन के विषय में सोचें, क्योंकि ये जो प्रेजेंटेशन हम लोग ये जो इस प्लेटफॉर्म से कर रहे हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट परफॉर्म करें और आपकी लाइफ की जो गोल है उसे आप अच्छे से हासिल कर सकें। और उसको हासिल करने के लिए हमको जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज को ध्यान पे रखना पड़ेगा वो है हमारा हेल्थ। तो अगर आपके इंटरेस्ट भी प्रिवेंटिव साइंस में है, अगर आप अपने आप हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के विषय में सोच रहे हैं, तो उसके लिए बहुत ही सिंपल चार इम्पोर्टेंट स्टेप्स हमको रेगुलर बेस पे फॉलो करने की जरूरत है। चार इम्पोर्टेंट स्टेप्स, वो चार इम्पोर्टेंट स्टेप्स क्या है? जो सबसे पहला इम्पोर्टेंट स्टेप्स है वो है एक्सरसाइज। हम लोगों को रेगुलर बेस पे एक्सरसाइज करने की जरूरत है, क्योंकि एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी की जो मसल्स का मूवमेंट, हमारे ब्लड सर्कुलेशन, ये सारी चीजें अप टू डेट रहते हैं, जिससे कि हमारी बॉडी एक्टिव बना रहता है। सेकंड जो काम है वो है कि हमको एक पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड बना के रखना है, सकारात्मक सोच बना के रखना है, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, कि हमको अपनी सोच को सकारात्मक बना के रखना है। क्योंकि अभी जिस ईरा में आप और हम हैं कि यहाँ पर हमारी रिक्वायरमेंट बहुत सारा है और उसको फुलफिल करने के लिए हमको पैसे भी बहुत सारा चाहिए होगा, प्लस कंपटीशन बहुत ज्यादा है, उस कंपटीशन को मीट करने के लिए हमारे पास में बहुत ज्यादा टेंशन हो जाता है। उस टेंशन के चलते हमारी शरीर में बहुत ही एडवर्स इफेक्ट पड़ता है, एक विपरीत असर पड़ता है, जिससे कि हमारी इम्यूनिटी बहुत बैडली डिस्टर्ब होता है। एटीट्यूड पॉजिटिव रहने से हमारी, जैसे आप और हम हर कोई जानते हैं कि हमारे शरीर में बहुत सारे ग्लैंड्स हैं, इंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, ग्लैंड्स हमारे कंट्रोल होते हैं टोटली एटीट्यूड पर। हमारे शरीर में टोटल 7 एटीट्यूड का इंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। वो ग्लैंड्स हमारी बॉडी के अंदर में हार्मोन सिक्रेशन को कंट्रोल करता है, जिससे कि हमारी माइंड सेट बनता है, जिससे हम लोग खुश होते हैं, जिससे हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन्स प्रॉपरली काम करते हैं, एक एक सिंक्रोनाइज तरीके से काम करते हैं, एक दूसरे के साथ में बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड है। अगर एक ग्लैंड डिस्टर्ब हो गया तो सारे ग्लैंड मेल फंक्शनिंग करने लगता है। इसलिए अभी देखिए आप इसके समय में जो थायराइड संबंधित जो चैलेंजेस आ रहे हैं, उसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि हमारे एटीट्यूड जो है वो मैक्सिमम टाइम पर नेगेटिव हो जा रहा है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल करने के लिए हमको एक पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड बनाए रखना है। थर्ड जो काम है वो है कि एडिक्वेट रेस्ट लेने की जरूरत है, हम लोगों को पर्याप्त विश्राम करने की जरूरत है। मिनिमम 5 घंटा और मैक्सिमम 7 घंटा हम लोगों को सोना चाहिए। एक साउंड स्लीप की जरूरत है, क्योंकि बॉडी दिन भर काम करती है, ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जो एनी टाइम काम करती रहती है। अगर इसको हम लोग विश्राम ना दे तो ये अपनी रिपेयर एंड मेंटेनेंस को प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। पर आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हमारे पास में इतने सारे गोल्स हैं, हमको इतने सारे ड्रीम्स हैं, तो अक्सर हम लोग इस चीज को कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं कि हम लोग समय, सोने का समय को उतना ध्यान नहीं देते हैं, हम लोग काम करते रहते हैं। और अल्टीमेटली बॉडी क्या है कि बॉडी की एक इम्यूनिटी है, अपनी एक क्षमता है, वहां तक वो इसको बियर करता है, उसके बाद में देखेंगे कि उसमें चैलेंजेस डेवलप होना शुरू हो जाए। विप्लव, वीडियो अटक गया। म्यूट हो गया क्या विप्लव? आप म्यूट हो गए? या अभी ठीक है सर? वीडियो आ रहा है सर? हाँ आ रहा है, अभी आ रहा है।
आ रहा है सर? आ रहा है। ठीक ठीक तो फोर्थ पिलर जो है वो है न्यूट्रिशन, क्योंकि बॉडी अपनी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट्स है, हमारे शरीर में मल्टीपल ऑर्गेन्स हैं जो हमेशा काम करती रहती है, उन ऑर्गेन्स को प्रॉपरली काम करने के लिए उनको पौष्टिक आहार की जो जरूरत पड़ती है वो हमको अपनी भोजन से लेना है। अब आप अभी एग्जिस्टिंग हमारी जो अभी की जो हालचाल है तो देखिए बाजार से सब्जियां खरीद कर तो ला रहे हैं, हमें क्या विश्वास है कि जो फल सब्जी आज की तारीख में आप खरीद के ला रहे हैं कि जो पौष्टिक, आज से 35-40 साल पहले जो फल सब्जियां हम लोग ला रहे थे, क्या उसकी पौष्टिकता उस स्तर पर है? तो आंसर आएगा कि नो। पर आप अगर आपकी एक दिन की भी एक्टिविटी को अगर गौर करें तो देखिएगा कि पहले हमारी जो रिक्वायरमेंट थी, हमारी जो नीड थी, हमारे पास में जो ऑप्शंस थे वो सारे लिमिटेड हुआ करते थे। हमारी नीड बहुत ज्यादा नहीं थी, बहुत कम चीजों से हम लोग अपना काम चला लिया करते थे। लेकिन जैसे जैसे साइंस टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, बहुत सारी सुविधाओं के साधन आ रहे हैं और उन सारे सुविधाओं को हम लोग एंजॉय करना चाहते हैं, और उसको उन सुविधाओं को एंजॉय करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो चाहिए, हमको पैसा चाहिए। और उस पैसे को कमाने के लिए हम लोग सुबह से लेकर शाम तक व्यस्त रहते हैं, पर इस व्यस्तता में हम लोग ये भूल जाते हैं कि अगर पैसा कमा लिए पर अगर हेल्थ हमारा मेंटेन नहीं रहा तो उस पैसे को हम लोग क्या करेंगे, वो पैसा कौन एंजॉय करेगा? तो इसका आएगा आंसर आएगा कि इसका पैसा को कोई हॉस्पिटल वाला एंजॉय कर रहा होगा। तो यहाँ पर हमारे पास में एक ऑसम अपॉर्चुनिटी है कि हम लोग अपनी व्यस्तता को वैसा ही बना के रखें, हम लोग रेगुलर बेस पे वैसा ही काम करें, पर बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है उसको भी उसे मुस्कुराते हुए हम लोग देते रहे, नहीं तो बॉडी ये इन चीजों को हमसे जबरदस्ती ले लेगा। अब आते हैं हम लोग इम्यूनिटी के ऊपर में कि व्हाट इज इम्यूनिटी। इम्यूनिटी देखेंगे कि इम्यूनिटी जैसे मैंने आपको परिभाषित किया कि बॉडी की एक इनबिल्ट इम्यूनिटी है। इम्यूनिटी को अगर कैटेगराइज करेंगे तो इम्यूनिटी दो टाइप से है, एक है इननेट इम्यूनिटी, इननेट, और एक है एक्वर्ड, एक्वर्ड इम्यूनिटी। इननेट इम्यूनिटी जो जिस इम्यूनिटी के साथ में हम पैदा हुए हैं, जो ईश्वर हमारे अंदर में जो इनबिल्ट एक इम्यूनिटी सिस्टम दे दिए हैं वो है हमारी इननेट इम्यूनिटी सिस्टम, जिससे बॉडी अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखती है। कि देखिए जैसे हम लोग पैदा होते हैं, पैदा होने के बाद से 20-25 साल तक ऑलमोस्ट हम लोग अच्छे रहते हैं, उसका कारण है कि हमारी जो इननेट इम्यूनिटी है वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। इस प्रॉपर इननेट इम्यूनिटी प्रॉपर तरीके से फंक्शन करे इसके लिए जो इम्पोर्टेंट स्टेप्स मैंने आपके साथ में अभी शेयर किया, 4 स्टेप्स, वो जरूरी है जिससे कि हम लोग अपनी इननेट इम्यूनिटी को मेंटेन करके रख सकें, जिससे कि हमारे ऊपर में कोई वायरस या बैक्टीरिया का अटैक ना हो। क्योंकि आप और हम लाखों वायरस और बैक्टीरिया के बीच में ही रहते हैं, इनमें से ज्यादातर बैक्टीरिया हमारे लिए नुकसानदायक है, पर बहुत सारे बैक्टीरिया और वायरसेस हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट की रोल प्ले करता है। तो इनको कौन सा वायरस हमारे काम का है, कौन सा हमारे काम का नहीं है, इसको बॉडी आइडेंटिफाई कर लेती है। जो काम का है उसको बॉडी एक्सेप्ट करती है, जो काम का नहीं है उसको हमारी इननेट इम्यूनिटी सिस्टम डिस्ट्रॉय कर देती है। अगर हम लोग ये चाहते हैं कि हमारी इम्यूनिटी मेंटेन रहे और जो खराब वायरस एंड बैक्टीरियाज हैं वो हमको नुकसान ना पहुंचाए, तो हम लोगों को जिस चीज पे सबसे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है वो है हमारी इननेट इम्यूनिटी को हम लोग अप टू डेट करें। इननेट इम्यूनिटी को अप टू डेट करने के लिए हमको वो जो 4 स्टेप्स हमने आपके साथ में शेयर किया, एक्सरसाइज, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, एडिक्वेट रेस्ट एंड न्यूट्रिशन, इन चारों चीजों को हम लोगों को फॉलो करना है। सेकेंड जो इम्यूनिटी है दैट इज एक्वर्ड इम्यूनिटी। एक्वर्ड इम्यूनिटी मतलब दिस इम्यूनिटी इज डिजाइंड बाय, दिस इज मैन मेड, ये इसको हम लोगों ने पैदा किया है। जैसे कि आप और हम लोग जो एंटीबायोटिक्स लेते हैं, एंटीबायोटिक्स, ये आपकी इननेट इम्यूनिटी को, एक्वायर्ड इम्यूनिटी को बूस्ट करती है। ये हमारी, इसको हमने किराए पे लिया है, इस इम्यूनिटी को ये एंटीबायोटिक बिल्ड करता है। अब अगर आप अपनी, अब अभी हम लोग अपनी लाइफस्टाइल को अच्छे से गौर करें, हम लोग देखें कि हम लोग का फोकस किस पे है, तो आप देखेंगे कि हमारा सारा फोकस एक्वायर्ड इम्यूनिटी पे है, हम इसको किनारे रख दिए हैं।
कि हमारी इननेट इम्यूनिटी को हम तवज्जो नहीं दे रहे हैं, हमारा पूरा फोकस एक्वायर्ड इम्यूनिटी पर आ गया है कि हम लोग को कुछ भी हो जाता है तो हम लोग फटाक से जाके, चाहे वो किराना दुकान हो, चाहे मेडिकल स्टोर हो, चाहे हॉस्पिटल में गए हो, चाहे डॉक्टर के पास गए हो, वो सारे लोगों का फोकस किस पे है, वो है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब आप ये डिसाइड करिए कि हमारे पास में ये एक गॉड गिवन इम्यूनिटी है, दिस वन इज गॉड गिवन एंड दिस वन इज मैन मेड, आपको क्या लगता है इनमें से कौन सा इम्यूनिटी हमारे लिए ज्यादा पावरफुल होगी जो हमको ज्यादा अच्छे से प्रोटेक्ट करके रखेगा? अगर हम लोग आज से 25-30 साल 35 साल पीछे चले जाए तो आप देखेंगे कि हमारा सारा फोकस इसमें था, हम लोग गॉड गिवन जो इम्यूनिटी थी उसको हम मेंटेन करके रखते थे, कि हम लोग रेगुलर बेस पे एक्सरसाइज किया करते थे, एक्सरसाइज का मोड कुछ भी हो, जैसे हमारे उस समय में हम लोग साइकिलिंग वगैरह किया करते थे, है ना, साइकिलिंग करने से, फिर तालाब में या नदी में जाके नहाने की हमारी आदत थी तो हम लोग जाके वहाँ पे तैरा करते थे, और आप और हम सबको जानते हैं कि तैरना एक कंप्लीट एक्सरसाइज है, अननोइंगली होती थी पर होती थी। दूसरा चीज है पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, क्योंकि हमारे पास कोई कंपटीशन नहीं, लाइफ स्टाइल इतनी अपग्रेडेड नहीं थी, ना गाड़ी का टेंशन था, ना अच्छे ब्रांडेड कपड़े, ना जूते, ना मोबाइल, ना अच्छे मकान, ये सब के लिए बहुत लिमिटेड ऑप्शंस थे, तो हम लोगों को इन चीजों की जरूरत ही नहीं पड़ती थी इस वजह से, और इतना टफ कंपटीशन नहीं था कि हम लोग, हमारे ऊपर में प्रेशर हो रहा होता था कि आपको डॉक्टर बनना है, तो आपको इंजीनियर बनना है, तो आपको ऐसा करना है वैसा करना है, ये सारी प्रेशर नहीं थी। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी जो मेंटल एटीट्यूड वो पॉजिटिव हुआ करती थी। दादी अम्मा के जमाने की बात की थी, वो बहुत अच्छे रामायण महाभारत की बातें हमारे साथ में शेयर करता था। उस समय मीडिया भी इतना पावरफुल नहीं था कि हमारे पास में बहुत सारे नेगेटिव न्यूज आया करता था, ये सब चीजें नहीं था, जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ द टाइम देखिए कि हम लोग बाय डिफॉल्ट हमारी एटीट्यूड पॉजिटिव हुआ करती थी। रेस्ट की अगर बात करें तो रेस्ट तो हम लोग लेते ही थे कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली वेकअप, जो फॉर्मूला था कि जल्दी सोना और जल्दी उठ जाना सुबह, इस चीज को हम लोग वॉलंटियरली फॉलो करते थे, हमको कोई बोलता नहीं था, पर चूंकि इलेक्ट्रिसिटी वगैरह ये इतनी एडवांस नहीं थी, उसके बाद में मीडिया भी एडवांस नहीं थी, तो हम लोग जल्दी से सो भी जाया करते थे, अल्टीमेटली हम लोग जल्दी उठते थे, तो ये इससे क्या कि हमारी रेस्ट भी प्रॉपर हो जाती थी। फोर्थ वन इज न्यूट्रिशन, उस समय में जो फार्मिंग की प्रोसेस थी वो इतनी एडवांस नहीं होती, इतने यूरिया फॉस्फेट इतने सारी चीजें नहीं थी, प्लस जनसंख्या अभी जितनी तरीके से बढ़ गया है, उस समय उतनी जनसंख्या नहीं थी, तो लोगों के पास में जमीन बहुत ज्यादा हुआ करता था, तो ज्यादा पैदावार लाने के लिए हमको खाद वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता था, लोगों के घर में गैया थी, वो लोग एक नेचुरल खाद का इस्तेमाल किया करते थे, तो देखिए ये बाय डिफॉल्ट हो रहा था ये सारी चीजें, ये चीजें इसके लिए हमें एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही थी, ये चीजें अपने आप ही हो रही थी, और इसी वजह से हमारी जो गॉड गिवन जो इम्यूनिटी है, इननेट इम्यूनिटी, ये हमारी मेंटेन रहती थी, और इस वजह से हम लोग इस तरीके का परिस्थितियों के सामने नहीं पड़ा करते थे, और उससे हमारी हेल्थ हैजर्ड्स इतनी ज्यादा नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे हम लोग एडवांस होते गए हैं, टेक्नोलॉजी एडवांस होते गया, तो ये हम लोग जानते हैं कि हर एक सिक्का का दो पहलू होता है, तो जो दूसरा पहलू है, पहला तो अच्छा चीज है कि इतने सारे एडवांस हो गया, देखिए टेक्नोलॉजी इतनी अपग्रेडेड होने की वजह से आप और हम लोग सब एक अलग अलग जगह पर हैं, पर देखिए हम लोग एक दूसरे को बहुत अच्छे से सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, चीजों को समझ पा रहे हैं, सुविधाएं इतनी बढ़ गई है कि गर्मी लगता है तो अपन एसी चला लिए, गाड़ी कहीं जाना है तो हमारे पास में गाड़ियां हैं, तो ये बहुत सारे पॉजिटिव पार्ट्स हैं, लेकिन साथ में बहुत सारे नेगेटिव पार्ट्स भी हैं कि हमारी फार्मिंग की प्रोसेस पूरी तरीके से खराब हो चुकी है, हमारे पास में जमीन कम हो गया है, तो उस कम जमीन में हमें ज्यादा पैदावार लेना है तो हमारे पास विकल्प ही नहीं, हमें खाद का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। दूसरा है कि हम लोग हर कोई लाइफ में एक्सेल करना चाहते हैं, हमारी रिक्वायरमेंट्स रेगुलर बेस पे बढ़ रहा है, और उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हमको ज्यादा पैसे की जरूरत है, और ज्यादा पैसा चाहिए होगा तो हमें ज्यादा काम करना पड़ेगा, ज्यादा मार्केट में हर कोई ये चीज चाह रहा है कि मेरे पास ज्यादा पैसे आए, तो हम लोग एक दूसरे के कॉम्पिटिटर बन गए हैं, हम लोग आपसी में मेंटल टेंशन बढ़ रहा है, हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे ज्यादा अच्छे से पढ़े, तो हर कोई अच्छा IIT में जाए, MBA करे, इस टाइप की जो स्ट्रेस जो बढ़ रही है, देखिए ये ग्रेजुअली बढ़ रहा है, जो चीज 30-35 साल पहले एक नॉर्मल सी चीज हुआ करती थी वो चीज आप देखिए कितना फास्ट पेस हो गया है।
पर इस फास्ट पेस्ट लाइफ में इतनी भागम भाग वाली जिंदगी, इतनी कंपटीशन, स्ट्रेस, इन सबको मैनेज करने के लिए हम लोगों ने क्या एक्स्ट्रा एफर्ट लगा रहे हैं, ये है क्वेश्चन कि क्या हम उस एक्स्ट्रा एफर्ट लगा रहे हैं। तो देखेंगे कि नहीं, हम लोग जो जब एक नॉर्मल एक लाइफ थी 30-35 साल पहले, हमारी वो जो लाइफ स्टाइल थी, और हम लोग ऑलमोस्ट उसी चीज को फॉलो कर रहे हैं और एक्सपेक्ट यह कर रहे हैं कि हम हेल्दी रहेंगे। आपको ऐसा नहीं लगता है कि दोनों एक दूसरे के विरोधाभास है? ये कैसे हो सकता है कि आपकी रिक्वायरमेंट स्टेटस, अभी पॉल्यूशन का लेवल ले लीजिए, इतना हाई हो गया है, पर उस पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए हमने क्या किया? हम सिर्फ चैलेंजिंग के विषय में बात कर रहे हैं, हम इम्यूनिटी को अपडेट करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट क्या लगा रहे हैं? और सेकेंडली जो इम्पोर्टेंट चीज है कि जो भी डाटाज या इंफॉर्मेशन हम लोग ले रहे हैं उसका बेस क्या है, कहाँ से ले रहे हैं? तो ज्यादातर देखिए, हम लोग कहीं से भी यूट्यूब में कोई चैनल देख लीजिए, इसमें वो अदरक को उबाल के और जैन अजवाइन को उबाल के करके और एलोवेरा का जूस पी लीजिए, तो आपको क्या लगता है इन चीजों को, इसको किसी भी पैटर्न पे लेने से कोई भी इंग्रेडिएंट, कोई भी पौधे का या पेड़ का कोई भी अंग हमारे लिए काम का है क्या? ऑब्वियसली नॉट। ठीक, हर चीज हमारे काम की नहीं है, उसका एक अनुपात है, उसको हमें उसी अनुपात पे लेना पड़ेगा। तो इन चीजों के साथ साथ में आप इस चीज को भी महसूस किए होंगे कि जब कोई चैलेंज डेंस हो जाता है, बहुत ज्यादा गाढ़ा हो जाता है, तो उसके साथ साथ में उसकी समाधान भी आता है। पर हम लोग अपनी समस्याओं में इतने उलझे रहते हैं कि समाधान की तरफ ध्यान ही नहीं आ पाता है। सो फ्रेंड्स, मैं आपके साथ में आज वो समाधान के विषय में बात कर रहा हूँ, जिससे कि हम लोग अपने आप को हेल्दी भी रिटेन कर सकें और अपनी लाइफ को प्रॉपर तरीके से एंजॉय भी कर सकें और हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसे भी पा सकें। तो फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं कि अभी हम लोग हमारी जो बॉडी की हमारी जो इननेट इम्यूनिटी है, न कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जो जिसकी की बहुत सीवियर साइड इफेक्ट है। अभी मैं जैसे कल ही हमारी कुछ बात हो रही थी, जैसे अभी ये जो COVID-19 के समय में कुछ लोगों से बात हो रही थी, वो बता रहे थे कि कोविड का जब ट्रीटमेंट चलना शुरू होता है तो आपके पास में जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, जैसे बीपी, शुगर वगैरह का जो भी मेडिसिन आप खाते हैं, उसको डिसकंटिन्यू करना पड़ता है। तो आप अगर इन चीज को देखेंगे कि वो उनको भी ये बातें समझ में आ रही है कि जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी को अगर हम लोग इसको बढ़ाना चाहते हैं तो हमको ये जो लाइफस्टाइल जो मेडिसिन हम लोग यूज कर रहे हैं इससे ये कमजोर पड़ जाता है, तो वो उन चीजों को बंद करना जरूरी है, तभी ये आगे बढ़ पाएगा। तो सो फ्रेंड्स, आप समझ रहे हैं कि हमारे पास में जो सबसे बेस्ट विकल्प है वो ईश्वर के द्वारा दी हुई वो जो इम्यूनिटी है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता, जो बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता है, अगर हम उसको मजबूत बना के रख रहे हैं तो निश्चित रूप से हमारी शरीर बेहतरीन तरीके से काम करेगा, क्योंकि हमारी ये जो बॉडी है ईश्वर ने इसको डिजाइन किया है मिनिमम 100 ईयर्स के लिए, 100 सालों के हिसाब से इसको डिजाइन किया गया है। आपकी और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी बस इतनी है कि हम प्रॉपर इंफॉर्मेशन के साथ में इसकी जो रिक्वायरमेंट है इसको उसे रेगुलर बेस पे देते रहे, क्योंकि ये एक ऐसा मशीन है जो 24/7 काम करता रहता है, ये कभी भी नहीं रुकता है। तो इसलिए इसके प्रति हमें बहुत ज्यादा कॉन्सियस होने की जरूरत है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि जो चीज जैसे गाड़ी है, गाड़ी के प्रति हम लोग बहुत सतर्क होते हैं, हर 2,000-10,000 किलोमीटर में उसके ऑयल बदलना, उसकी साफ सफाई करना, उसकी फिल्टर की सफाई करना, फिल्टर को बदलवा देना, ये सारी के प्रति हम लोग बहुत कॉन्सियस होते हैं। लेकिन उसकी जबकि सारी चीजों का स्पेयर्स अवेलेबल है, आप चाहे तो उनका वो पार्ट्स को रिप्लेस कर सकते हैं, उसके ऑर्गन को रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन ये जो ईश्वर द्वारा दी हुई एक अनुपम चीज है जिसका कोई स्पेयर्स अवेलेबल नहीं है, सोचिए हम लोग उसके लिए कितना कैजुअल है, हम लोग इसको कितना एकदम कैजुअली लेते हैं, सोचते हैं हाँ ठीक है आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेते हैं। लेकिन हम लोग अपनी गाड़ी के विषय में ऐसा नहीं सोचते हैं, हम लोग उसके प्रति पैसे की भी बात नहीं आती है, हम कुछ भी व्यवस्था करके उसको कर लेते हैं। लेकिन जब इसकी बात आती है तो हम लोग समझौता कर लेते हैं, अभी तो उतना नहीं है, ठीक है अगले महीना देखेंगे, बाद में देखेंगे, और उसी की कीमत आप और हम आज की तारीख में चुका रहे हैं। सो फ्रेंड्स, मैं आपसे ये विनती करूंगा कि आपको ये जो ईश्वर ने ये जो हम लोगों को एक मौका दिया है, इस धरती पे आने का, इतनी खूबसूरत दुनिया है, इसको एंजॉय करना है, तो आप अपनी प्रायोरिटी में उसको सेट करिए कि सबसे पहले हम इसको ध्यान दें और इसकी जो रिक्वायरमेंट है बहुत सिंपल रिक्वायरमेंट है, बहुत इजीली, बहुत स्मार्ट तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं। और इसी चीज को डेवलपिंग साइंस ने धीरे धीरे जो चीज करके हमारे सामने में लेके आया कि हम लोगों को क्या चीज चाहिए, हम लोगों को रेगुलर बेस पे हमारी डाइट में क्या क्या
चीजें होना चाहिए जिसको हम लोग बैलेंस डाइट बोलते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है वो है प्रोटीन। प्रोटीन को लेके बहुत सारे लोगों का, मेरे खुद के दिमाग में भी था कि मुझे प्रोटीन की क्या जरूरत है, मैं तो इतना फल सब्जी वगैरह सब खाता हूँ। लेकिन प्रोटीन ये हमारी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक्स है, इससे ये जो इमारत बनी है, ये जो शरीर हमारा बना है, ये पूरा प्रोटीन से बना है। हमारी बॉडी का 20% बॉडी वेट जो है वो प्रोटीन से है। सोचिए कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम लोगों को रेगुलर बेस पे मोटा मोटी एक एडल्ट को एवरेज 60 ग्राम प्रोटीन की जरूरत है, एवरेज 60 ग्राम प्रोटीन की जरूरत है। बढ़ते हुए बच्चों को 1.75 ग्राम प्रोटीन की जरूरत पड़ता है उनके वजन के हिसाब से, क्योंकि वो बढ़ रहे हैं, उनका इमारत का निर्माण हो रहा है, तो उनको हमसे ज्यादा प्रोटीन की जरूरत है और हमको तो अपना बॉडी को खाली रिटेन करना है। तो ये प्रोटीन पर, प्रोटीन को लेके हम लोग शायद इतने ध्यान नहीं दिए, और अभी देखिए ये इसकी कमी की वजह से हम लोगों को जो हमारी मसल्स में रिंकल्स आते हैं, जो त्वचा में झुर्रियां आती हैं, इसके लिए ये प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सेकेंड, प्रोटीन ने जो सेल बनाया उस सेल को मजबूती देने के लिए हमें रेगुलर बेस पे वाइटामिन एंड मिनरल्स की जरूरत पड़ता है। वाइटामिन एंड मिनरल्स ये हमारी प्रोटेक्टिव फूड है, ये हमको प्रोटेक्शन देता है। हम लोग को रेगुलर बेस पे 13 प्रकार का वाइटामिन और 11 प्रकार के मिनरल्स की जरूरत पड़ता है। इनके बिना हमारा बॉडी परफॉर्म नहीं कर पाएगा। इसके ये इनकी कमी की वजह से हमारी इननेट इम्यूनिटी जो है वो प्रभावित होती है। प्रोटीन की कमी की वजह से हमारी इननेट इम्यूनिटी, गॉड गिवन जो इम्यूनिटी है वो प्रभावित होती है। थर्ड वन इज कार्बोहाइड्रेट, इसकी कमी किसी को भी नहीं होती है, ये एडिक्वेट क्वांटिटी में हमारे डाइट में अवेलेबल है। फोर्थ वन इज फैट, फैट ये दोनों चीजें हम लोगों को ऊर्जा देने का काम करता है, ये हमें ऊर्जा देता है। कार्बोहाइड्रेट एंड फैट इन दोनों चीजों से हम लोगों को ऊर्जा मिलता है। जैसे जैसे समय गुजर रहा है वैसे फैट के विषय में है कि फैट 2 प्रकार का है, एक है गुड फैट एंड अनदर वन इज बैड फैट। अभी के समय में हमारी जो लाइफस्टाइल हो गई है उसके चलते हमारे पास डाइट से ये गुड फैट की मात्रा कम होती चली जा रही है और बैड फैट की मात्रा लगातार बढ़ता चला जा रहा है, और इसके वजह से हम लोगों को CVD कार्डियोवास्कुलर जो डिजीजेस हो रहे हैं वो इसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, ये इसकी मात्रा बढ़ जा रही है। तो हम लोगों को इन चीजों का ध्यान रखना है कि कैसे हमारा ये गुड फैट बढ़े, कैसे हम लोग अपनी लाइफस्टाइल को अपग्रेड करें। पांचवा चीज है उसको बोलते हैं फाइबर या रेशा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसको फॉरगॉटन न्यूट्रिएंट बोलते हैं कि इसके विषय में आप और हम भूल गए हैं। अभी के समय में हमारी जो लाइफस्टाइल है, हमारी जो आदतें हैं वो क्या है कि हम लोग फास्ट फूड खाना पसंद करते हैं, हम लोग प्रोसेस्ड फूड खाना पसंद करते हैं, हम लोग रिफाइंड चीजें खाना पसंद करते हैं। हम लोग इतना हमारी लाइफ फास्ट हो गई है कि हम रॉ चीजों में हम लोग सब रेडीमेड चाहते हैं, और जितनी भी रेडीमेड चीजें हैं जो फास्ट फूड है और आपका प्रोसेस्ड फूड है, ये सारी चीजें क्या है इन एसिडिक इन नेचर है, ये अम्लीय है, इनका एसिडिक नेचर है, और ये जितनी एसिडिक चीजें आपके शरीर में जाता रहेगा उतना ही आपकी इननेट जो इम्यूनिटी है, गॉड गिवन इम्यूनिटी है, वो कमजोर होना शुरू हो जाता है। तो हम लोगों को इन चीजों को ध्यान रखना है कि हमारी भोजन में प्रोसेस्ड फूड, फास्ट फूड और रिफाइंड फूड ये हमारी भोजन से दूर चला जाए, क्योंकि आप 30-35 साल पीछे चले जाइए आप देखेंगे कि ना ही ये फास्ट फूड हुआ करता था, ना ही ये प्रोसेस्ड फूड हुआ करता था कि हमारे सारे मसाले का आपको रेडीमेड पेस्ट मिल जा रहा है, आपको डोसा का पेस्ट मिल जा रहा है, आप लाए फटाफट बना लिए, आप सालों भर चना मटर हरा मटर एंजॉय कर सकते हैं। ये सारी चीजें इसमें जो क्या बोलते हैं शेल्फ लाइफ को इसमें बना रहे हैं, इसके चलते इसके अंदर में कुछ प्रिजर्वेटिव, कुछ एडिटिव्स चले रहते हैं जो कि केमिकल बेस्ड है, जो कि हमारी इम्यूनिटी को डिस्टर्ब कर रहा है। सो फ्रेंड्स, अगर आप इन चीजों को से अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से हमें यह फैसला करना पड़ेगा कि हम नेचर के नजदीक जाए, जो नेचुरल चीजें हैं, क्योंकि वो नेचुरल जो भी चीजें होती हैं वो सारे अल्कलाइन होती है। अगर आप हमारी बॉडी में जो खून दौड़ रहा है, जिससे हमारी पूरी बॉडी चल रही है, जिससे हमारी बॉडी के अंदर में जो न्यूट्रिशन है वो पहुंचता है, ऑक्सीजन पहुंचता है, क्योंकि बॉडी का वो ही कैरियर है जिससे कि बॉडी का पूरे हर एक ऑर्गन्स में सारी सप्लाई हो रहे हैं। अगर वो उसको अगर आप चेक करेंगे तो उसका पीएच वैल्यू तो वो 7.4 है, यानी कि वो एल्कलाइन इन नेचर है।
हमारी बॉडी का जो ईश्वर ने जो बना के दिया है वो एल्कालाइन है, बेस है नेचर में, पर हम लोग जो हमारी फूड हैबिट्स है वो सारे एसिडिक है। तो देखिए एक दूसरे का विरोधाभास है, इसकी वजह से क्या है कि हमारी बॉडी मेल फंक्शनिंग करने लग रही है। आस्ते आस्ते ये बातें लोगों को समझ में आ रही है कि हमको इन चीजों को चेंज करने की जरूरत है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चीज को थोड़ा जल्दी करें ताकि आप थोड़ा ज्यादा समय तक हेल्दी रहें और इतनी खूबसूरत जिंदगी को अपने परिवार के साथ में ज्यादा बेहतर तरीके से एंजॉय कर सकें। फाइबर वही वो रिफाइनिंग की प्रोसेस में और जो प्रोसेस होती है उसमें ये फाइबर जो होती है, फाइबर वो हम लोग उसको निकाल के फेंक देते हैं, जैसे दाल पॉलिश किया हुआ है, चावल पॉलिश किया हुआ है, ये सारी चीजें से जैसे पॉलिश होने लगती है वैसे वो फाइबर खत्म हो जाता है। फाइबर का बहुत सारा वास्ट रोल है, जिसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि हमारे शरीर के अंदर में जो स्टोमक है, जो हमारी किचन है बॉडी का, उस किचन की सफाई करने की जिम्मेदारी होती है इसके इसके ऊपर में। ये हमारा कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करता है, ये हमारा शुगर लेवल को भी कंट्रोल करके रखता है। तो सो ये जो सारे ये पांच चीजें हैं ये बैलेंस क्वालिटी क्वांटिटी में अगर रेगुलर बेस पे आपकी और हमारी डाइट में शामिल है तो हम लोग अपने आप को एक हेल्दी लाइफ लीड कर सकते हैं। और इस चीज को बहुत ही स्मार्ट तरीके से, बहुत ही साइंटिफिक तरीके से, नेचुरल तरीके से आपके बीच में हमारे पास में लाया, क्योंकि अभी हम लोग आप कहाँ खोजें कि हमारे डाइट में प्रोटीन जा रहा है कि नहीं जा रहा है, कहाँ से लाएंगे इन सारी चीजों को। इन चीजों को बहुत ही इजी बनाने के लिए एक ब्रांड है जो 1934 से इस दुनिया में है, और हम लोग बहुत प्रिविलेज है, ब्लेस्ड है कि हमारे पास में ये ब्रांड है, दैट इज न्यूट्रलाइट। न्यूट्रलाइट एक अल्टीमेट ब्रांड है जो कि 1934 से इस धरती पे है, और इनका फोकस है, इनका जो लाइंस है वो ये बोलते हैं कि ये बेस्ट ऑफ नेचर है एंड बेस्ट ऑफ साइंस, मतलब ये एक अनोखा कॉम्बिनेशन है नेचर एंड साइंस का, नेचर एंड साइंस का एक अनोखा कॉम्बिनेशन है, जिस जहां पर इस चीजों को ध्यान रखा गया है कि हम लोगों को डाइट में जो भी चीजें जाए वो एल्कालाइन हो इन नेचर में, और वो इजीली हो, बहुत स्मार्ट हो, क्योंकि हम लोग बहुत सारा चीजें लेके घूम नहीं सकते हैं। तो इन्होंने इन चीजों को बहुत ही इजीली और बहुत ही स्मार्ट तरीके से बना दिया कि ये टैबलेट और पाउडर फॉर्म में, कैप्सूल सॉफ्ट जेल के फॉर्म में आ गया है, जिसको कि हम लोग ट्रेवलिंग के समय भी बहुत इजीली स्मार्टली साथ में रख के इन चीजों को हम लोग फुलफिल कर सकते हैं। तो ये इन एक ब्रांड है जो राइट फ्रॉम सीड टू फिनिश प्रोडक्ट खुद बनाती है। इसकी सबसे जो खास विशेषता है वो यह है कि ये नॉन जीएमओ सीड्स का यूज करते हैं। नॉन जीएमओ का मतलब होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ओरिजिन। अभी के समय में आप देखेंगे कि कोई भी सब्जी आप 12 महीना पा सकते हैं, ये कैसे पॉसिबल हुआ, क्योंकि वो जो बीज है, जैसे टमाटर का आप ले लीजिए, आज की तारीख में 12 महीना टमाटर मिलता है, ये कैसे संभव हुआ, क्योंकि वो जो टमाटर का बीज है उसका डीएनए को चेंज कर दिया गया है। पर न्यूट्रलाइट इसका जीएमओ को डिस्टर्ब नहीं करता है, उसका जो ओरिजिनलिटी है उसको मेंटेन करके रखता है, जो कि आज से 35-40 साल पहले जो टमाटर हम लोग बाजार से लेके उसके अंदर में जो न्यूट्रिशन होती थी, उसके अंदर जो टेस्ट होता था, वही चीज हम लोग न्यूट्रलाइट इसको मेंटेन करते हैं। सो आप इमेजिन करके देखिए कि उन्होंने साइंस का किस तरीके से यूज किया कि हम उसका डीएनए को चेंज ना करें, उसको जेनेटिकली मॉडिफाइड ना करें, इसको यूज किया। ये अपनी फार्मिंग में किसी भी प्रकार के पेस्टिसाइड हर्बिसाइड का यूज नहीं करते हैं। इनका जो पेस्टिसाइड को कंट्रोल करने के लिए कोई कीड़ा लग गया है उसको कीड़ा को मारने के लिए एक और कीड़ा को वो छोड़ते हैं, उस कीड़ा जैसे लेडीबर्ड, बम्बलबी, इस टाइप के कीड़े को छोड़ते हैं जो कि खराब कीड़े को खा जाता है और खा के वो खुद चला जाता है। तो इस प्रकार से इतना साइंटिफिक तरीके से, इतना बेहतरीन तरीके से इन चीजों को बना के दिया, हमारे लिए बहुत ही स्मार्ट ऑप्शन छोड़ के गया कि हम लोग अपनी हेक्टिक लाइफस्टाइल में, इस जो फास्ट पेस लाइफस्टाइल है जहाँ पे हमारा गोल है लाइफ में कोई बड़ा चीज अचीव करने का, तो हम लोग अपने आप को हेल्दी रिटेन करने के चक्कर में कहीं हेल्थ में ही अगर बिजी हो गए तो हमारा वो गोल छूट जाएगा। तो न्यूट्रलाइट इस सफर को आपके और हमारे लिए बहुत आसान बना दिया कि उन सारी चीजों को वो टैबलेट एंड पाउडर फॉर्म में ला दिया, जिसको हम लोग इजीली कैरी कर सकते हैं, और उसके अंदर में बिल्कुल एकदम मेजर्ड क्वांटिटी में अकॉर्डिंग टू आरडीए हर चीज दिया हुआ है। हमको सिर्फ उसको रेगुलर बेस पे लेने का फैसला करना है। तो हमको फैसला ये करना है कि हम लोग जैसे इलेक्ट्रिसिटी का अपन हम लोग यूज कर रहे हैं,
हम लोग स्मार्ट तरीके से यूज करते हैं, हम ये पता नहीं लगाने की कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे पैदा हुआ, ये कैसे काम करता है, हम सिर्फ स्विच दबाते हैं और उसको एंजॉय करते हैं। सिमिलर पैटर्न पे हमारे पास में आज की तारीख में हेल्थ को मेंटेन करने के लिए उतना ही स्मार्टेस्ट ऑप्शन अवेलेबल है। न्यूट्राइट के पास में मोर देन 1000 साइंटिस्ट हैं, इनके पास में मोर देन 60 बहुत ही एडवांस R&D सेंटर्स हैं, जिसमें राउंड द क्लॉक काम चल रहा है कि ह्यूमैनिटी को कैसे हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उनको एक अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल ऑफर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको और हमको बस इतना सोचना है कि क्या हमको इसको री इन्वेंट करने की जरूरत है, या ये जो एक स्मार्टेस्ट ऑप्शन आपके हमारे पास में अवेलेबल है उसको लेके हम लोग अच्छा हेल्थ रिटेन करके हमारी लाइफ की जो गोल है उसको बहुत इजीली अफेल कर ले। ये फैसला आपको और हमें करना है कि हम ये चीजों को किस तरीके से यूज करेंगे। जो शुरुआत में हमने आपको बताया था कि पीपल का 3 कैटेगरी है, ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक एंड रियलिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक लोग ये जो एडवांसमेंट हो रही है, ये जो चीजें बेहतर हो रही है, जो स्मार्टर चॉइस है, इसको बहुत फास्ट अडॉप्ट करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं और अपने ऊपर यूज करके वो लाइफ को एनहांस कर लेते हैं। और वहीं पे पेसिमिस्टिक और रियलिस्टिक थिंकर्स जो है वो उस पर सोचते रहते हैं कि ये क्यों नहीं, मैं तो ये सुबह उठ के चना भिगो के खा लेता हूँ, तो मैं तो ये कर लेता हूँ, मैं तो थोड़ा एक्सरसाइज भी कर लेता हूँ, मैं प्राणायाम भी कर लेता हूँ, पर वो इस चीज को मेन जो चीज है वो स्किप कर जाते हैं कि आप जो कर रहे हैं वो तो बहुत अच्छा है, पर क्वेश्चन पूछ के देखिए कि आपके पास में कोई ऐसा प्रिडिक्टेबल ऐसा कोई रास्ता है कि जिससे आप ये कह सकते हो कि हाँ, आपने जो डाइट लिया है वो से आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है, जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट्स है, गुड फैट की जो रिक्वायरमेंट्स है, आपकी जो विटामिन्स एंड मिनरल्स की रिक्वायरमेंट्स है, क्या उसके आपने पूरा किया, तो देखेंगे कि नहीं वो तो पता नहीं है, तो हम एक अनप्रिडिक्टेबल एक भगवान भरोसे पे आ जाते हैं। अब आप ये बताइए, ईश्वर ने ये जो शरीर दे दिया है वो अब तो हमारी जिम्मेदारी है। जैसे गाड़ी हम लोग खरीद लेते हैं, दुकान वाले ने, कंपनी वाले ने उसको बना के हमारे पास में बेस्ट चीज दे दिया, उसके बाद तो हमारी जिम्मेदारी है कि इसके अंदर में सही मात्रा में सही क्वालिटी का तेल डालें, इसकी सफाई करें, इसकी उचित देखभाल करें, एयर प्रेशर को चेक करें, उसके लिए तो वो कंपनी जिम्मेदार नहीं है। ठीक उसी प्रकार से ईश्वर ने ये खूबसूरत मैकेनिज्म आपके और हमारे हवाले कर चुके हैं, इसके बाद की जिम्मेदारी तो हमारी है कि इसकी क्वालिटी कैसे होगी। तो इस क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए अभी के इस विपरीत परिस्थिति में हमारे पास में एक बहुत ही ऑसम, बहुत यूरो मॉनिटर स्केल में ये नंबर वन ब्रांड है, लीडिंग ब्रांड है, जिसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिकॉग्नाइज कर रहा है, वर्ल्ड लेवल पे बहुत सारी बड़ी बड़ी संस्थान या ऑर्गेनाइजेशन ने इनको रिकॉग्नाइज किया कि नहीं, न्यूट्राइट इज द बेस्ट ऑप्शन सप्लीमेंट की दुनिया में। तो हमें फैसला करना है कि हमको क्या करना चाहिए, हम स्मार्ट ऑप्शन पे आए कि हम लोग हार्ड वर्क करें। अगर आप स्मार्ट ऑप्शन पे बिलीव करते हैं तो ये हमारे पास में वो स्मार्टेस्ट ऑप्शन है जिस पर अमल करके हम लोग अपने आप को रिटेन कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं, हमने आपको बहुत सारे इम्यूनिटी के विषय में बात किया, उसके बाद में आते हैं कि हमारी जो अभी के समय में जो हम लोग को लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हो रहे हैं, BP, शुगर, कैंसर, आर्थराइटिस, इस टाइप की जो शिकायत हो रही है, ये क्यों हो रही है, ये हो रही है इसके लिए जो एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल है दैट इज कॉल्ड फ्री रेडिकल्स। ये तत्व जिम्मेदार है। ये कैसे पैदा होता है, ये स्ट्रेस जब आप तनाव में आते हैं तो पैदा होता है, ये जब आप केमिकल सबके शरीर में अंदर जाता है तो पैदा होता है, जब आप एडिक्वेट रेस्ट नहीं लेंगे तब पैदा होगा, अगर आपके फूड में बहुत सारा फास्ट फूड, प्रोसेस फूड, रिफाइंड फूड ऐड है तो आपके शरीर में ये फ्री रेडिकल्स की क्वांटिटी ज्यादा मात्रा में पैदा होगा। इन फ्री रेडिकल्स के पैदा होने से प्रॉब्लम क्या होता है, इन फ्री रेडिकल्स के पैदा होने से हमारी जो सेल है इस सेल में इन्फ्लेमेशन आता है, ये फूलता है, ये फूल जाता है इन्फ्लेमेशन, और इस सेल के अंदर में डिस्टर्बेंस आना शुरू होता है। और जैसे कि आप और हम जानते हैं कि हमारी बॉडी पूरे मिलियंस ऑफ सेल्स से बना हुआ है, और इस मिलियन सेल्स में अगर प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन नहीं गया तो वो फ्री रेडिकल जनरेट करना शुरू करता है, और ये फ्री रेडिकल इसका DNA को डिस्टर्ब कर देता है, और जिसके चलते कि हम लोगों को ये जो मल्टीपल चैलेंजेस डेवलप हो रहे हैं ये पैदा हो रहे हैं। अब इसका ऑप्शन क्या है, इससे बचने का हमारे पास में विकल्प क्या है, तो उसको बोलते हैं एंटी ऑक्सीडेंट्स। अगर हम लोग अपनी डाइट में एंटी ऑक्सीडेंट्स बढ़ा ले, क्योंकि पॉल्यूशन हमारे कंट्रोल पे नहीं है, हमारी फास्ट पेस लाइफस्टाइल के चलते टेंशन आता ही है, तनाव आता ही है, उसके बाद ये जो मार्केट में जो
सारी चीजें फल सब्जियां मिल रहा है, ये सारे में इतनी मात्रा में केमिकल है, इसमें भी अपन हमारे कंट्रोल में नहीं है, इसे हमें खाना ही पड़ेगा, तो उसको उसका जो एडवर्स इफेक्ट है, उसका जो साइड इफेक्ट है, वो हमारी बॉडी के ऊपर में बहुत ज्यादा हार्म ना कर पाए, इसलिए हमको अपनी डाइट में मैक्सिमम एंटीऑक्सीडेंट्स को शामिल करना है, ताकि हमारी बॉडी अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके और वो इसमें जो इन्फ्लेमेशन हमारी सेल्स में आ रहे हैं उस इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। अब एंटीऑक्सीडेंट्स ये मिलते कहाँ है? ये एंटीऑक्सीडेंट कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी, प्रयोगशाला में एंटीऑक्सीडेंट्स नहीं बनाया जा सकता है। ये क्षमता नेचर के पास ही है, प्रकृति के पास ही ये क्षमता है, प्रकृति ही नेचर बना ये एंटीऑक्सीडेंट बना सकती है। अब आप गौर करिए कि न्यूट्रलाइट का जो थीम लाइन है वो जो कहता है कि बेस्ट ऑफ नेचर बेस्ट ऑफ साइंस, तो न्यूट्रलाइट के साथ में ये एक एडेड बेनिफिट है कि वो नेचुरल होने के साथ उसके साथ में एंटीऑक्सीडेंट का एक पावर है, जिससे कि हम लोग अपने आप को प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं। ये न केवल हम लोगों की जो न्यूट्रलाइट हमारी जो डेली रिक्वायरमेंट्स है उसे भी फुलफिल कर रहा है, साथ ही साथ ये जो फ्री रेडिकल जो बहुत ज्यादा घातक है इसको मिनिमाइज करने के लिए हमें हमको एंटीऑक्सीडेंट भी दे दे रहा है। उन सारे प्रोडक्ट के साथ में ये एंटीऑक्सीडेंट का एक एडेड बेनिफिट है, जिसको फाइटोन्यूट्रिएंट बोलते हैं, वो एंटीऑक्सीडेंट्स नहीं है, फाइटोन्यूट्रिएंट मतलब प्लांट न्यूट्रिएंट। प्लांट के पास में एक क्षमता होती है, जो जैसे कि आप देखिए कि हमारे आसपास में बहुत सारे पेड़ पौधे हैं और वो पेड़ पौधे हमसे ज्यादा विपरीत परिस्थितियों में रहते हैं, धूल धक्कड़ हवा पानी, हम लोग कितने सारे केमिकल्स लाके उसमें थोप देते हैं, गंदगी फेंक देते हैं, तंबाकू खा के फेंक देते हैं, थूक देते हैं, क्या नहीं करते हैं उसके साथ में, पर बावजूद उसके अगर हम उसको काट के ना फेंके तो वो पेड़ पूरी अपनी जिंदगी जी लेता है। ये कैसे होता है? ये पावर उस प्लांट को ईश्वर ने दे रखा है, उसको बोलते हैं प्लांट न्यूट्रिएंट, फाइटो न्यूट्रिएंट, जो कि उसकी कलर में होती है, उसके आउटर ऑर्बिट में होता है, उसके जो रंग होते हैं उसमें होते हैं। अभी आप देखिए कि हमारी जो खान पान की आदत है उसमें हम लोग उसकी सबसे बाहरी जो परत है उसको सबसे पहले फेंक देते हैं, या इतना हाई टेम्परेचर में उसको बना देते हैं तो उसका प्लांट न्यूट्रिएंट पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो आपको इस चीज को बहुत अच्छे से समझनी है, आपको उस ऑप्शन से जाना है, आपको आपको ऑप्टिमिस्टिक बनाना है कि हमारे पास में विकल्प क्या है। चैलेंजेस तो बहुत सारे हैं पर विकल्प क्या है, कैसे हम अपने आप को प्रोटेक्ट करें। तो अगर आप इसको बहुत सीरियसली सोच रहे हैं, हेल्थ अगर आपकी नंबर वन प्रायोरिटी है, तो आप हम सबके लिए खुशखबरी यह है कि हमारे पास में एक इंटरनेशनल ब्रांड है, दैट इज न्यूट्रलाइट। इन सारे सवालों का जवाब इस ब्रांड के साथ में है। आप इस ब्रांड को बहुत अच्छे से स्टडी करिए, गूगल पे जाइए, देखिए न्यूट्रलाइट के विषय में आपको सारी जानकारी मिलेंगे। हमारी डेली रिक्वायरमेंट जो भी रिक्वायरमेंट है वो सारे रिक्वायरमेंट के प्रोडक्ट इसके अंदर में अवेलेबल है। ये आपके लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि ऑप्टिमिस्टिक लोगों का जो ध्यान होता है वो है इन्वेस्टमेंट में, ये बेस्ट इन्वेस्टमेंट आप अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपने पैसा को इन्वेस्ट करिए ताकि आप क्वालिटी लाइफ लीड कर सके। अगर आप इस इन्वेस्टमेंट को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, बचा रहे हैं, तो फ्रेंड्स मुझे नहीं लगता है कि वो पैसा को आप बहुत ज्यादा दिन तक बचा पाएंगे, तो ये पैसा क्योंकि ये क्यूरेटिव साइंस पे चला जाएगा और आपके मेहनत का कमाया हुआ पैसा को कोई और इंजॉय कर रहा होगा और आप शिकायत करते रह जाए। तो मुझे उम्मीद है कि आपके साथ में मैं थोड़ी सी बातें अपनी शेयर कर पाया और आप इसको मैक्सिमम फायदा ले सकते हैं। मेरे पास एक बहुत अच्छा इसका न्यूट्रलाइट ब्रांड का बहुत अच्छा एक टेस्टिमोनियल्स है, जो कि मेरा एक भाई है, कजन ब्रदर है, उसको वो उसका वो दिन घर ही आया था हमारे यहाँ, आके बोला कि भैया मेरा पेट फूल जा रहा है, और मैंने देखा भी उसका पेट फूल गया है, पैर में भी स्वेलिंग आ गया है, पेट में पानी इधर उधर हिल रहा है, तो काफी ज्यादा परेशान था और उसका चेहरा भी देखा मैंने पेल पड़ गया, तो मुझे थोड़ा सा एहसास हुआ कि निश्चित रूप से इसका लिवर मैल फंक्शनिंग कर रहा है। मैंने उसको बोला कि आप जाओ डॉक्टर से मिलो, और वो कौन सा डॉक्टर से मिला था वो वीडियो को आप देखेंगे। मैंने उसको कुछ सप्लीमेंट्स रिकमेंड किया, उन सप्लीमेंट को लेने के बाद में, और थैंक्स टू ऑलमाइटी कि और थैंक्स टू न्यूट्रलाइट, जिसकी वजह से वो आज एक तारीख में एकदम 100% फिट है, उसका लीवर एकदम अप टू डेट हो गया है और अब वो खाना को अच्छे से पचा ले रहा है और आज भी वो इन सप्लीमेंट्स को रेगुलर बेस पे यूज कर रहा है। ऐसा ही बहुत सारे एग्जांपल्स मेरे अपने परिवार में भी है, मैंने अपनी मम्मी जी को भी हमारी मम्मी भी रेगुलर बेस पे इन सप्लीमेंट्स को यूज करती हैं,
और भी बहुत सारे लोगों को मैंने दिया है नोटलाइट, हम लोग का बहुत दिल के करीब है, हम लोग पूरे फैमिली इस चीज को एंजॉय करते हैं और एक हेल्दी लाइफ लीड कर रहे हैं, ये हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं अपनी बेटर हेल्थ के लिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मैं आपको ये आपके ऊपर में फैसला छोड़ना चाहूंगा कि आप इनमें से कहाँ पे आपकी रुचि है इन्वेस्टमेंट में, क्योंकि अगर आप कोई चीज को बेहतर बनाए रखना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, उसको खूबसूरत बनाना चाहते हैं, तो वो शब्द है इन्वेस्टमेंट। आप पूछिए अपने आपको कि आप पैसा कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं और कहाँ करना चाहिए। और हमारे पास में एक बहुत ही प्रेडिक्टेबल साइंस है, एकदम ऑथेंटिक है, जिस पर अमल करके हम लोग निश्चिंत होके 100% निश्चिंत होके, क्योंकि ये सारे प्रोडक्ट्स का रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑसम है। इनका आप इनका जो साइंटिस्ट है इनका देखिए पूरा ग्लोब से इन्होंने साइंटिस्ट लिया है, सारे ग्लोब्स के साइंटिस्ट उसमें है जो लोग रेगुलर बेस पे इसमें रिसर्च डेवलपमेंट है, ताकि हम लोग चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में अपने आप को हेल्दी बना के रख सके। सो फ्रेंड्स, मैं आपके साथ में वो टेस्टिमोनियल्स को शेयर कर रहा हूँ, आप उसको देखिए और उसके बाद में शांपा रिवाइव आपके साथ में हमारे न्यूक्लाइड प्रोडक्ट की एक बहुत ही शानदार डेमोन्स्ट्रेशन शेयर करेगी, जो जो कि मैं थियोरिटिकली जो इन चीज़ों को समझाया वो आपको ये दिखा देगी कि प्रैक्टिकली ये चीज़ें कैसे हो सकता है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। Hello everybody. सर दिख रहा है सर? Myself. सर वीडियो दिख रहा है सर? दिख रहा है। अमित कुमार मित्रा, कुछ महीना पहले अराउंड 16th of June 2020 मुझे जॉन्डिस की प्रॉब्लम आई और जॉन्डिस से मेरे लीवर में स्वेलिंग हुई। स्वेलिंग होने के वजह से जो पानी है मेरे पेट में जमा होने लगा था। देन आई हैव टेकन मेडिसिन थ्रू एमडी स्पेशलिस्ट मिस्टर शरद आनंद। इसके साइड बाय साइड मैं एमवी के सप्लीमेंट लिया, जिसमें मोस्ट और इम्पॉर्टेंट सप्लीमेंट था मेरे लिए उस समय जब मेरे लीवर को प्रॉब्लम आई थी। विद डेंडेलियम रूट, उसके साथ साथ में मल्टीविटामिन न्यूट्रीलाइट डेली, साथ में नेचुरल सी एंड प्रोटीन पाउडर। एंड आपको यकीन नहीं होगा, विद इन 2 months आई हैव रिकवर्ड एज अर्ली वाज माई हेल्थ। और जब मुझे ये प्रॉब्लम आई थी लीवर की, उस समय मेरा वेट हो गया था 52 kg, नाउ आई एम 65 kg। और ये सप्लीमेंट ने मुझे बहुत सपोर्ट किया अपने हेल्थ को रिगेन करने के लिए, स्पेशली मिल्क थिसल। तो नो डाउट इट्स अ क्वालिटी प्रोडक्ट एंड रेगुलरली आई एम टेकिंग दिस ऑल दिस सप्लीमेंट फॉर माय बेटर हेल्थ। थैंक यू। ओके, वॉल्यूम एक्चुअली में कम था। वॉल्यूम कम था सर? कोई बात नहीं। तो आप डेमो रेडी करवाओ, मैं एक और टेस्टिमोनियल ले लेता हूं जब तक। ठीक है? ठीक है सर, ठीक। टेस्टिमोनियल मैं ले लेता हूं। वी हैव अ गेस्ट विथ अस, ये है उड़ीसा से, इनका नाम है मिस्टर अकालू। और मैं अभी इनको बोलूंगा कि अकालू जी अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं क्या? हाँ अकालू जी, प्रणाम। ऐसे हैं? आपका ये लगता है नेटवर्क का इशू है लगता है, थोड़ा वीडियो बंद करके तब बात करिए आप, वीडियो नहीं आएगा लगता है आपका, सिर्फ ऑडियो में बात कर सकते हैं आप। देखिए अगर वीडियो भी आ जाता है तो अच्छी बात है।
जी हेलो जी सर, आपका वीडियो नहीं आ रहा है, वीडियो आप बंद कर दीजिए। जी सर, हाँ सिर्फ ऑडियो में बात करिए। चलिए बताइए जरा, आपको क्या शिकायत थी और आपने क्या क्या प्रोडक्ट इस्तेमाल किया? आ गए आप? अरे आ गए कालू जी। ओके, तब तक विप्लव आप दिखाओ डेमो। अच्छा आ गए हैं ये। कालू जी सिर्फ आप अपना ऑडियो ऑन रखिए, वीडियो बंद रखिए बस। अनम्यूट करिए अपने आप को अकालू जी। हाँ हाँ अकालू जी, हेलो जी। आवाज आपका डिस्टर्ब हो रहा है। नेटवर्क थोड़ा घर से बाहर आके बात करिए आप, ऑडियो में तो बात करना है आपको। जी सर। अभी क्लियर है? कहाँ से बोल रहे हैं आप पहले बताइए, अपना परिचय दीजिए। और मैं उड़ीसा से बोल रहा हूँ। और उड़ीसा से बोल रहा हूँ। न्यूट्रलाइट को लेकर के मैं सर पहले तो सर को धन्यवाद दूंगा कि मैं इस बिजनेस में आया और अपने एलएस और मेंटर कमल मुखर्जी साहब और सर आपको सलन सिंह, मनीषा मैम और अफजल सर, आसिया मैम, सभी धन्यवाद के पात्र हैं जो कि जिनके मार्गदर्शन में आज कुछ कहने और सुनने का मौका मिला और मुझे इंसान बना दिए। तो मैं अभी अपने बारे में कुछ बताऊं तो सर सुन पा रहे हैं? हाँ आवाज क्लियर है, बताइए। हाँ तो मैं सर आज से एक साल पहले 5 जनवरी 2019 को रात में बीमार पड़ा और मुझे डॉक्टर ने कहा कि आपको हार्ट अटैक हो गया है, प्लस उन्होंने 4-5 दिन मेडिकल में रख के मेरा इलाज किया। साथ हुए फिर 5 दिन के बाद मुझे भुवनेश्वर रिफर किए। अच्छा। जिसमें मैं वहाँ करीबन 1 साल इलाज करवा। अच्छा। तो उन्होंने बोला पेनक्रेटिस हो गया है, लीवर प्रॉब्लम है और किडनी में भी सूजन आ गया है। इस अच्छा। तरह से मैं वहाँ 1 साल करीबन दवाई खाया, खाने के बावजूद भी मुझे हाथ पैर में दर्द रहा करता था, सर में दर्द रहा करता था, पेट फुला फुला रहता था और पीठ तो इतना दर्द होता था सर। मैं एमसीएल में डंपर ऑपरेटर हूँ, मैं गाड़ी अच्छा। चलाता था तो जर्किंग में मेरा जान निकल जाता था। तो उस हिसाब से मैं 1 साल के बाद जब 1 साल में दवाई किया कुछ फर्क नहीं दिखा, मैं दवाई खाना छोड़ दिया और अपने इसका न्यूट्रिशन का अपना एमवे का जो प्रोडक्ट यूज किया उससे मैं आज के डेट में हेल्थ केयर का मैं फिर आवाज अटक गया आपका। म्यूट हो गए हैं आप, फिर से अनम्यूट कर लीजिए कालू जी। माइक बंद हो गया है आपका, माइक चालू कर लीजिए। ठीक है, अभी ठीक है, बताइए। तो आज के डेट में मैं क्या क्या प्रोडक्ट लेते हैं आप? मैं सर फाइबर लेता हूँ, प्रोटीन पाउडर लेता हूँ, डेली लेता हूँ, नेचुरल अच्छा। सी लेता हूँ, मिल्क अच्छा। सी लेता हूँ, उसके अच्छा। साथ साथ नेचुरल बी और अच्छा। हम लिखी भी तकी हर तकी अच्छा
दवाई क्या क्या खाते हैं आप इसके अलावा? मैं दवाई टोटल बंद कर दिया सर, दवाई खाने से मेरा। जी सर, टोटल दवाई आपने बंद कर दिया? टोटल एक साल हो गया सर, जनवरी के बाद मैं दवाई खाना बंद कर दिया और प्रोडक्ट के ऊपर ही मैं पूरा विश्वास करके खाया और आज मैं बहुत, मैं एकदम फिट हूँ सर, एकदम फिट हूँ। पेट फूलने वूलने का शिकायत और पीठ में दर्द का शिकायत दूर हो गया आपका? सारा दूर हो गया सर, और आज के डेट में मैं सर, मैं नया जन्म पाया और मैं अभी अपने रेस में, अपने ड्यूटी में सबसे फास्ट ड्यूटी करता हूँ, मेरे से ज्यादा कोई ट्रिप नहीं कर सकता, इतना गौर से कह सकता हूँ। आपकी उम्र कितनी है कालू जी? सर मेरी उम्र 56 साल है। 56 इयर्स में आप इस तरीके से रिकवर किए हो कि पहले आपका हार्ट का ट्रीटमेंट हुआ, उसके बाद डायग्नोज हुआ कि आपको पेनक्रियाटिस है एंड आपको किडनी में प्रॉब्लम है, और एक साल दवाई खाने के बाद में आपने न्यूट्रेट कंज्यूम किया और अभी आप मिरेकुलस रिजल्ट आपको मिला है। आप 100% सेटिस्फाइड है इससे? बिल्कुल सर, बहुत ही 100% सेटिस्फाइड हूं और मैं बहुत खुश हूं और मैं शुक्रगुजार हूं और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इस न्यूट्रीलाइट को कि मेरा जीवन बदल दिया है, मुझे नया जीवन दे दिया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अकालू जी, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। थैंक यू सर। आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना वैल्यूएबल कीमती समय निकाला और ये अपने एक्सपीरियंस शेयर किया। मैं चाहूंगा कि आप अपना एक वीडियो बना लीजिए क्योंकि नेटवर्क का इश्यू है, वीडियो बना के आप मुझे पोस्ट करिए ताकि मैं ग्रुप में उस वीडियो को शेयर कर सकूं। ठीक है, धन्यवाद सर, धन्यवाद। ओके, धन्यवाद कालू जी आपका। सो दैट वाज कालू जी एंड डेमो दिखाने के लिए वी हैव शोम्पा विद अस। शोम्पा हैंड रेज करिएगा जरा। ओके, सो दैट वाज अ टेस्टिमोनियल, आप लोगों ने देखा टेस्टिमोनियल। अब हम प्रोडक्ट का डेमोंस्ट्रेशन देखेंगे बाय अ डायनेमिक लीडर शोम्पा सरकार मैडम। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल। मैं शोम्पा, सबसे पहले मैं ईश्वर को धन्यवाद करती हूँ कि इस बिजनेस में हूँ, और उसके बाद मैं आज इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे हूँ ड्यू टू ग्रेट एमबीए बिजनेस अपॉर्चुनिटी और ग्रेट अपलाइन मेंटर्स शैलेंद्र सिंह सर, मनीषा मैडम, अब्दुल सर, आसिया मैडम, और जिनके गाइडेंस और सपोर्ट से आज आप लोग के सामने हूँ। और विशेष थैंक्स करना चाहूंगी शैलेंद्र सिंह सर, मनीषा मैडम को, जिन्होंने हम पर बिलीव किया और इस प्लेटफॉर्म पे हमें बुलाए। थैंक यू सर, थैंक यू मैडम। आपने विप्लव जी का इतना अच्छा हेल्थ प्लान देखे, उन्होंने बार बार सप्लीमेंट और फाइटोन्यूट्रिएंट्स के बारे में बता रहे थे, तो हमारे जो न्यूट्रीलाइट का डेली जो एक मल्टीविटामिन मल्टीमिनरल टैबलेट्स है जिनमें एडेड बेनिफिट 6 प्लांट का कंसंट्रेट है जिसे हम फाइटोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं, और फाइटोन्यूट्रिएंट इस डेली में जो फाइटो 6 पौधे का फाइटोन्यूट्रिएंट है वो है अल्फा अल्फा, वाटर क्रेस, एसरोला चेरी, पार्सले, स्पिनच एंड कैरोट, और जिससे क्या बीटा कैरोटीन जैसे फाइटोन्यूट्रिएंट का फायदा हमें मिलते हैं। तो न्यूट्रीलाइट डेली मल्टीविटामिन मल्टीमिनरल्स लेने से हमें जो डेली, इसका नाम ही है डेली, इसको रोज लेने से जो एंटीऑक्सीडेंट का फायदा मिलता है, हमारे पौधे पर आधारित कंपाउंड है जो हमारे फ्री रेडिकल्स से नुकसान पहुंचते हैं उसको इजीली हटा देता है और नुकसान से बचाते हैं। तो ये कैसे काम करता है ये मैं एक दिखाती हूँ। ये एक आलू ली हूँ, दिख रहा है सर? नहीं, आलू नहीं दिख रहा। स्क्रीन पे दिखाइए, स्क्रीन पे दिखाइए। कैमरा के सामने लाके दिखाइए, आलू को कैमरा के सामने ले आइए। ये मैं एक आलू को आधा काटी हूँ और ये मैं आलू को आधा आधा करके ली हूँ।
इस पर जो मैं फ्री रेडिकल्स की बात कर रही हूँ, फ्री रेडिकल्स में इसमें बीटा राइट इसको मैं डाल रही हूँ, ये हाईली फ्री रेडिकल्स है, इसको मैं डाल रही हूँ, दिखा रही हूँ। आलू को थोड़ा ऊपर रखिए, आलू को थोड़ा ऊपर रखिए, हाँ अभी ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है, सही है। एक में और इसमें जैसे मान ली ये दो जन है और दोनों ने बाहर गए तो ये इन पर फ्री रेडिकल्स अटैक किया। अब मैं इस पर डेली तो डेली इस पर ये हमारा डेली मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल्स है, देखिए कैसे धीरे धीरे एकदम काला हो जा रहा है। इस पे मैं ये पहले जैसा फिर से ये जैसे इसमें मैं डेली का थोड़ा सा बुरादा डाली तो ये और ये ऐसे कैसे काला ही रह गया, दिख रहा है ना सर। फिर मैं इसमें फिर एक बार अब वो तो डेली लेके जब बाहर फिर से जाएंगे देखते हैं उस पर अटैक करता है कि नहीं। फिर देखिए फिर भी उस पर फ्री रेडिकल्स अटैक नहीं कर। ये है हमारे प्रोडक्ट की मतलब क्या बोलना चाहिए खासियत। और ये है और मैं यही कहूंगी हमारा आज COVID-19 के थ्रू और 6 महीने पहले जैसे था आज बहुत सारा इम्यूनिटी की बात हो रही है तो हम बहुत खुश है, पर बाहर हम जिनसे भी बात करते हैं बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा दुखी है, पर हम बहुत खुश है क्योंकि हमारे साथ न्यूक्लाइड है। तो हम चाहते हैं जो भी नए व्यक्ति है अगर आपको जो भी बुलाया है आप न्यूक्लाइड पर न्यूक्लाइड के बारे में जानिए, उसको अपने यूज करने का डिसीजन लीजिए, इससे आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी और सेफ भी रहेगी। थैंक यू सर। ओके थैंक यू शंपा एंड थैंक यू बिप्लव, इट वाज एन ऑसम प्रेजेंटेशन, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था। हेल्थ एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है और जिसके बारे में हमें समझना बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारी सबसे हमारा जो सबसे बड़ा एसेट है वो हमारा शरीर है, राइट। और अगर शरीर अच्छा है तो बाकी सब चीज आपका कम भी रहेगा तो चल जाएगा। हेल्थ इज वेल्थ इसीलिए कहा जाता है, हेल्थ इज वेल्थ एंड प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस चीजों को समझना कि सो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि अपने हेल्थ के बारे में सबसे ज्यादा जो मतलब चिंता करने का की बात है वो हमको खुद ही चिंता करनी है अपने हेल्थ के बारे में, कि अपने हेल्थ का केयर हमें खुद रखना है। और हम विप्लव ने बहुत अच्छे से बताया कि हम बहुत इजी सोर्स है हमारे पास में मेडिसिन। ले लेते हैं, बट आप एक को जान के हैरानी होगी कि दुनिया में सबसे ज्यादा जो मौतें होती हैं वो दवाई के साइड इफेक्ट से होती हैं। और ये ऑलरेडी काफी सारे जगह पब्लिश हुआ है कि ADR कहते हैं उसे, एडवर्स ड्रग रिएक्शन कहते हैं उसे। सो ADR एक ऐसा चीज है जिसका कोई इलाज नहीं है, राइट। तो अगर आप दवाई लेते हो इट इज सिंथेटिक और हमारा बॉडी सिंथेटिक चीजों को पहचानता नहीं है, हमारी जो बहुत सारी शरीर है वो नेचुरल चीजों को बहुत अच्छे से पहचानता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें नेचुरल चीजों की तरफ फोकस करना चाहिए। न्यूक्लाइड उसमें पायनियर है, न्यूक्लाइड वर्ल्ड में एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो खेती से लेकर फिनिश पॉइंट तक खुद बनाती है। सो इट वॉज अ नाइस प्रेजेंटेशन और
आज आप लोग को बहुत सारी जानकारी मिली होगी. सो आई एम थैंकफुल टू बिप्लव फॉर नाइस प्रेजेंटेशन. हेल्थ प्रेजेंटेशन बिप्लव जी का बहुत ही शानदार रहता है. और शंपा का डेमो ऑसम था, और जो टेस्टिमोनियल था अकालू जी और सुबीर का, दोनों बहुत ही जबरदस्त है. अकालू जी का तो बहुत ही मिराकुलस रिजल्ट था. सो इट वॉज नाइस टाइम हियरिंग ऑल ऑफ यू. थैंक यू वेरी मच. विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस मीटिंग. नेक्स्ट मंडे अगेन वी विल come with a new person, new guest speaker with the health presentation. Okay, thank you very much and good night.